नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कानपुर मेट्रो दिल्ली कंस्ट्रक्शन के बारे में, और मैं आपको बताने वाला हूँ कानपुर मेट्रो में किस प्रकार से जो है इन्होंने यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किस प्रकार से वर्क किया है। फ्रेंड्स, ये 2020 में से 2019 में ये वर्क स्टार्ट हो चुका था कानपुर मेट्रो के चलने का, और 2020 में जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें उन लोगों ने बहुत ही स्पीड से यूपी में यूपी रेल कॉरपोरेशन वालों ने जो है मेट्रो वालों ने बहुत ही तेज़ी से वर्क को खींचा है। आप देख रहे हैं IIT से लेकर पूरे रावतपुर तक जो है ये ब्रिज पूरा बन करके कंप्लीट हो चुका है, तैयार हो चुका है, बस से पटरी पर पड़ना ही बाकी रह गई है। बाकी इन्होंने वर्क पूरा बहुत अच्छी प्रकार से वर्क को कंप्लीट किया है। इन्होंने जिस प्रकार से वर्क किया कंप्लीट किया ये वाकई बहुत ही विश्वसनीय है और काफ़ी अद्भुत है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी को कि ये कानपुर मेट्रो का जो इन्होंने मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जो वर्क किया है उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ पूरे मन के साथ वर्क किया है, और सबसे अच्छी बात यह है जो इन्होंने ब्रिजेस बनाए हैं वो बहुत ही कम समय में बनाए हैं। जो अब तक इंडिया में अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड तोड़ कम टाइम में इन्होंने जो है वर्क को कम्प्लीट किया है, और ये कानपुर स्मार्ट सिटी में 4 साल लगाने वालों में से ये प्रोजेक्ट है, और ये काफ़ी अच्छा और उमदा और बेस्ट प्रोजेक्ट है जो कानपुर मेट्रो में में जो लगाया गया है। और इसमें दो कॉरिडोर हैं, कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2, जो कि रामा देवी और ये नौबस्ता तक जाते मोती झील और सभी सिटी एरिया को ये कवर करता है, जहाँ पे मेन ऑफिसेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस और स्कूल अवेलेबल हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है, इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये होगा कि जो लोगों को जो है ट्रैफिक में फंसना पड़ता था, भीड़ भाड़ में फंसना पड़ता था, वहाँ पे मेट्रो में बहुत इजीली टाइम को सेव करके जो है बहुत आगे तक जो है पहुँच सकते हैं, और लोगों को बहुत ही जो लोगों को देरी हो जाती थी ऑफिसेस के लिए, स्टूडेंट्स को, कॉलेजेस के लिए, स्कूल्स के लिए देरी होती थी, वो देरी नहीं हो सकती क्योंकि मेट्रो बहुत ही फास्ट और सेफ और सिक्योर तरीके से चलती है, आप सभी लोग जानते हैं। और इसका सबसे अच्छा सीधा असर पड़ेगा टेम्पो और बस में, क्योंकि बहुत सारे खचाखच टेम्पो वाले चार एक सीट पर चार लोगों को बैठा लेते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की तो ऐसी तैसी करके रखी है, और बस में भी बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा कि बस और टेम्पो का क्राउड जो है छट करके मेट्रो की तरफ आ जाएगा, और इससे जो है लोग जो बस और टेम्पो में भी जो बैठते हैं उनको भी सीट अच्छे से अवेलेबिलिटी हो पाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो रोड्स में जैम लगता है, जो जैम का इशू रहता है, जो जैम का प्रॉब्लम रहता है, वो भी हट जाएगा। तो ये एक प्रकार से एक तीर से दो निशाने हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रहा हूँ कानपुर मेट्रो में इस प्रकार से जो है काफ़ी आगे तक बढ़ गया है, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यूनिवर्सिटी से पहले रावतपुर क्रॉसिंग के पास का नज़ारा, और ये बहुत ही ज़्यादा शानदार नज़ारा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने काफ़ी जो व्यवस्था है ट्रांसपोर्टेशन की वो काफ़ी सुधर गई है, क्योंकि पहले जो जब कंस्ट्रक्शन के दौरान में, यानी जब ये पुल नहीं बना था तब काफ़ी दिक्कत होती थी, अब ये दिक्कत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे इजीली लोग रोड से निकल सकते जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे ब्रिज के बन जाने से एक क्यूरियोसिटी लोगों के मन में है, क्योंकि जो लोग देखना चाह रहे थे कि किस प्रकार से कानपुर मेट्रो जो है आगे हमारे लिए वरदान सिद्ध होगी, वो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कॉरिडोर 1 और कॉरिडोर 2, यानी कि दो पटरियां यहाँ पे, दो रेल्स चलेंगी कॉरिडोर 1 के लिए और कॉरिडोर 2 के लिए। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि ये कानपुर जो माना जाता है कानपुर स्मार्ट सिटी, उस पर ये बिल्कुल 4 चांद लगाने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि कानपुर में स्मार्ट सिटी में कानपुर मेट्रो का जो वर्क इतना बेहतरीन तरीके से इतनी जल्दी जो किया है वो वाकई में काबिल तारीफ है कानपुर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी शिद्दत और मेहनत के साथ ये वर्क को कम्प्लीट किया है, और ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इन्होंने वर्क को बहुत ही पीसफुली मेंटेन किया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल इंडिया अपडेट्स को ज़रूर लाइक करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।